इसमें से 2-3 कोच मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। सर, टिल नाउ इन द एंटायर इन्वेस्टिगेशन हैव वी गॉट टू नो दैट व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, हाउ मेनी ट्रेन्स, बिकॉज देयर इज अ कंफ्यूजन दैट 2 ट्रेन्स और 3 ट्रेन्स कोलाइडेड, व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? तो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से आई है, 3 ट्रेन है इसमें, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस और विश्वेश्वरैया टर्मिनल हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और एक गुड्स ट्रेन थी जो पहले से स्टेशन बाहनग बाजार स्टेशन में खड़ी थी। जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसमें डिरेल हुआ है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन थी जिसके कारण ये दोनों पैसेंजर ट्रेन भी डिरेल हुई है और वो कैजुअल्टी हुई है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, क्या कारण था, कैसे, तो इंक्वायरी के बाद ही रेलवे अथॉरिटी शेयर कर पाएंगी। क्योंकि आपने भी जैसा वीडियो देखा होगा कि बोगिया तो तीनों पट्टी पे, अगर फोटो भी देखेंगे, दो में तो डेफिनेटली क्लियर है कि डिरेल किया गया, तो देखा गया है उस पे। इस केस में चूंकि ये रेलवे स्टेशन में हुआ था इंसिडेंट, तो एक्सेसिबिलिटी की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार होता है कोई इंसिडेंट होता है और रिमोट एरिया में हुआ, तो एक्सेसिबिलिटी की भी दिक्कत होती है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, पहली टीम पास में ही थी, 30 किलोमीटर की लोकेशन पे थी, तो जल्दी पहुंच गई थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी जल्दी आया है वहाँ पर, उनके भी रिसोर्सेज, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की भी टीम बहुत जल्दी पहुँच गई थी, और फिर बाद में बाकी टीम जो बाहर से आई है, ऑब्वियसली ट्रैवलिंग टाइम जो लगा है उतनी थी। लेकिन जो मेन दिक्कत होती है इस तरह की, चूंकि हैवी कंटेनर्स हैं, मेटेलिक बॉडीज हैं, तो इनको कट करके निकालने में जो मेहनत और स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले लाइव विक्टिम को निकालना इंपॉर्टेंट होता है, फिर सेकेंडरी डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करके निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो जैसा कि मैंने बताया, 9 टीम ऑलरेडी है वहाँ पर और वो काम कर रही है स्पॉट पर। इंसिडेंट का सीक्वेंस क्या रहा है, क्योंकि आपकी टीम सर ऑन स्पॉट है, कहा जा रहा है कि पहले कोरोमंडल कटराई या पहले वो कर रहे, क्या इस पे देखिए मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ। फाइनली ये सीरियस इंसिडेंट है, रेलवे अथॉरिटीज ने गवर्नमेंट ने इंक्वायरी का ऑर्डर किया है, तो वो कॉम्पिटेंट होंगे शेयर करने के लिए। हमारे पास कैनाइन टीम रहती है, कैनाइन टीम्स ऑलरेडी है वहाँ पर, जो कैनाइन टीम ट्रेंड होती है, कोई लिविंग पर्सन अगर ट्रैप्ड है उसको सर्च करने के लिए वो ट्रेंड होते हैं, तो वो तो यूज़ कर ही रहे हैं हम। और परसेंटेज वाइज मोस्टली जो लिविंग पर्सन्स का हमने तो सर्च कंप्लीट कर लिया, कुछ जगह जहाँ डाउट है अभी उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम फाइनल कॉल ले सकते हैं। दिस सेंचुरी फॉर इंडिया एज फार एज आई नो, यस इट इज़ वन ऑफ द सीरियस एक्सीडेंट। सर, इस ऑपरेशन के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई और कब तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा एनडीआरएफ की तरफ से? देखिए, ऑपरेशन एग्जैक्ट टाइम मुझे कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि टीम ऑलरेडी काम कर रही है, एक एक हर कोच को हम क्लियर करते जाएंगे, लोकल अथॉरिटीज भी है उनके साथ मिलकर क्लोज करते जाएंगे, उसके बाद ही बोल पाएंगे। लेकिन 17 कोचेस की जानकारी है जो डिरेल हुई है और सीवियरली डैमेज हुई है, ऑलमोस्ट हमने सब चेक कर लिया है, और जितने लिविंग पर्सन्स निकाल सकते थे निकाल लिए। अभी जो कुछ में है जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, बिल्कुल दबे हुए हैं, जहाँ नीचे के एक्सेस नहीं कर पा रहे, जिसमें हम अभी कह नहीं सकते, वो एक दो कोच और हो सकते हैं, बाकी हमने सर्च कर लिया है। मतलब ऑपरेशन सर आज चलेगा पूरा? एक दो के आसपास। सर, ऑपरेशन कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? आज चलेगा, कल तक चलेगा सर? उसमें मैं आज मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसी मेरी जानकारी है, सेम ट्रैक पे नहीं थे, ये अलग अलग ट्रैक पे थे। थैंक यू।